12 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न सेवा कार्य जो है वो किए जा रहे हैं। 17 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक ये कार्यक्रम जो है वो चलेंगे और हर दिन कोई ना कोई सेवा कार्य जो है वो किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सोच कि भाई मेरे जन्मदिन पर केक ना काटा जाए, लड्डू ना बांटे जाएं, कोई ढोल धमाका और पटाखे ना फटाए जाएं, सेलिब्रेट ना किया जाए। अगर आपको कुछ करना ही है तो जरूरतमंदों की मदद करो और सेवा कार्य करो। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला लिया है कि 17 से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा कार्य किए जाएंगे। जैसे कि 17 को ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए थे और 18 को प्रदर्शनी जो है हर जगह पर लगाई गई, जिससे कि भाई प्रेरणा मिले नई पीढ़ी को। और आज 19 को जहां पर ये जो प्री मेडिकल कैंप जो है वो देश भर में लगाए जा रहे हैं, और उसी को मद्देनजर रखते हुए आज यहाँ पर एक आई कैंप जो है वो लगाया गया है। ये वार्ड नंबर 40 है और जम्मू क्षेत्र है और हमारा मंडल तलाब तिल्लो है। आप देख रहे हैं कि इसमें हमारे पार्टी के सीनियर लीडर विनोद गुप्ता जी जो पूर्व MLC हैं, जहां के पार्षद, जहां के मंडल प्रधान, बीजेपी के सीनियर लीडर और कार्यकर्ता सारे आए हुए हैं। और सेवा भाव से काम करना ही हमारा दायित्व है, उसी को स्वभाव में रखते हुए काम कर रहे हैं। तो इस समय आपने देखा होगा कि फ्री में लोगों का चेकअप किया जा रहा है और दवाइयाँ लिखकर दे रहे हैं, और उसके बाद साथ ही फ्री में दवाई भी वितरित की जा रही है। अगर किसी का ऑपरेशन भी होगा तो उसे ढेर दी जाएगी और उसके बाद हॉस्पिटल में उसका फ्री में ऑपरेशन भी करवाया जाएगा। तो एक अच्छी सुविधा जो है वो लोगों को जहां पर मिल रही है। मेरा इतना ही कहना है कि भाई ये जो भारतीय जनता पार्टी ने सेवा भाव से सेवा कार्य करने का निर्णय लिया है, उससे आम जनता को अभी अच्छा लाभ जो है वो मिल रहा है।